बहुत अच्छा आ रहा है। अरे गिलास देना भाई पानी भर के। जी बेटा ये बड़ा सही जा रहा है। ये मैंने अंदर घर से मंगवाया है। सही है। जल्दी जल्दी पी लो बच्चे। इधर बैठो। जी जी हो रही है ना लाइव? जी जी लाइव हो रहा है ना। पानी आराम से पियो, आराम से। टेंशन ना लो। लाइव हो रहा है? हां जी जा रहा है। जाने दो। हटो बेटा। इधर से आ जाओ सीधे आ जाओ। चलो बेटा वो क्या हो गया? खड़े उधर से। एई बच्चा इधर से आ जाओ, पानी दे रहा हूं। मैं बहुत बड़ी और मैं लाल दे बार बार दो। गिलास छोड़ दो, उधर से जाओ। उधर से ले बेटा, एक प्लेट भी देना मुझे उसको। साफ प्लेट निकालो। हाँ हम पप्पी खाएंगे। थोड़ा सा देना आलू के साथ। थोड़ा सा ये आज उधर से जाता हूँ बनाना। ये क्या करूँ, वेव कर। मैंने कहा था कि जो हमारे ऑर्डर से माशाल्लाह एक तो इतने अच्छे मेरे भाई हैं जिन्होंने अपना नाम लेने को मना किया। कसम से उन्होंने वादा किया मुझसे लिया है कि आप नाम मत लीजिए। इतना काम कर रहे हैं, अल्लाह उनको इतनी खुशियां दिखाए, और ये जितने लोग हैं सब के लिए करते हैं। बाकी जो हमारे रिश्तेदार हैं, भाई बहन हैं, दोस्त अहबाब हैं, डोनर्स हैं जो देते हैं, तो हम ये वीडियो इसलिए दिखाते हैं कि आप भी हमसे तआवुन करें और हम इनको खाना खिलाएँ। देखिए इफ्तारी बड़े बड़े लोगों को तो हम करते ही हैं, लेकिन अगर इनके साथ इफ्तार करें, इनके साथ खाना खाएं, तो उसका मज़ा ही कुछ और है। आप ज़रूर आइए। बहुत से दोस्त कह रहे होंगे फैसल नदीम अपनी ये वीडियो बनवा रहे हैं, दिखा रहे हैं। भाई फैसल नदीम नहीं, ये आर्ट्स वेलफेयर फाउंडेशन है जिसका मैं चेयरमैन हूँ, और ये सारे लोग मेरे साथ हैं। अगर हम ये वीडियो दिखाएंगे तो हो सकता है आप में से किसी को ख्याल आए और आप हमें बिरयानी और सामान इफ्तारी का भिजवाएँ। हम कह रहे हैं अभी बहुत सारी बस्ती, बहुत सारे हज़ारों लोग यहाँ मौजूद हैं उनके लिए, तो ये सारे लोगों के लिए हम कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है आप इनके साथ खाने का और अफ्तार बोलने का। आप भी देखें और हम इसे तआवुन करें। तकरीबन तमाम लोगों ने रोज़ा खोल लिया है माशाल्लाह। ये बच्चे ही बैठे हैं, देखिए छोटा सा बच्चा किस तरह से खा रहा है।
देखिए बच्चा छोटा सा एक और बच्चा छोटा सा बच्चा खाना खा रहा है। यकीन करें इतनी खुशी हो रही है इनके साथ बैठकर, इनके साथ देखकर, इन लोगों को किस तरह से ये खुशियां मनाते हैं। ये बच्चा खा रहा है खाना। अच्छा, ये लोग ज़्यादातर इफ्तार में खाना पसंद करते हैं बिरयानी, खजूर के साथ शरबत हो, और बिरयानी इनकी फेवरेट है जो कि हमारी भी फेवरेट है। तो ये आप देखें बच्चे किस तरह दीवानेवार ये खाना खा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अब इधर मैं वाइंड अप करूंगा। हाँ, तो ये सब इंजॉय कर रहे हैं इफ्तार। अब नमाज का भी वक्त हो रहा है। ये सब आर्ट्स वेलफेयर की तरफ से ये दावत इफ्तार थी उन लोगों के लिए जो बेसहारा हैं, जो के झुग्गियों में रहते हैं, जिनके लिए खाना खाना एक वक्त का मुश्किल है। इनके लिए अभी आर्ट्स वेलफेयर ने अपने डोनर्स के तआवुन से फ़ैन का भी इंतज़ाम किया, और ये लोग आज जिस तरह से खा रहे हैं हमें भी खुशी हो रही है और आपको भी देखकर खुशी हो रही है। दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि हम चाहते हैं कि आप भी इसमें शामिल हों। और इसको देखें, मैं उधर जाऊँगा। तो दोस्तों, आज के इफ्तार हमने ये जगह जो है, ये आप इसका नाम राडो के पीछे गई है, तो वहाँ पे हमने खोला है इफ्तार। अब अगली जगह गुलिस्तान जौहर, और इसका मैं दिखा सकता हूँ नीचे, आप दिखाएं ज़रा इसका कैमरा, ये एरिया सारा पीछे का, ये एरिया ये पीछे इर्द-गिर्द का जो एरिया है वो भी आप देख सकते हैं। ये इर्द-गिर्द का एरिया ये है, यहाँ पर झुग्गियाँ हैं, ये इर्द-गिर्द का एरिया है, पूरा स्लम एरिया है। तो यहाँ पर तो हमने जो इफ्तार खोली है, अब आपसे गुजारिश है कि ये 30 रोज़ा इफ्तार है, रोज़ाना हम कहीं ना कहीं पर मौजूद होते हैं। आज हमने आपको लाइव भी दिखाया है, और इंशाल्लाह ताला आपसे गुजारिश है कि टेलीफोन नंबर हमारा मौजूद होता है, आप उस पर हमें रब्ता करें, और इफ्तार के ताबुन करें, ज़कात के हवाले ताबुन करें, छोटे बच्चों कपड़े भी चाहिए ईद के लिए, और दीगर चीज़ें अपनी दुआ में याद रखिएगा। आर्ट वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से मोहम्मद फैसल नदीम को इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।